नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारी जूम मीटिंग पे जवनिका जी आए हैं और जवनिका जी अपना अनुभव जो है वो पूरे समाज को बताएंगे। जवनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? नमस्ते। फाइन मैडम जी। कहाँ पे रहते हो आप? वडोदरा जी। आपकी उम्र कितनी है? 43 इयर्स जी। आप कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हो? दिसंबर 1st जी। आपको 2 months हुए। हाँ जी, तो 2 महीने में क्या क्या लाभ हुए आपको और क्या प्रॉब्लम था जो आपका चला गया है, वो आपका 2 महीने की जो जर्नी है वो आप समाज को बताइए। दिसंबर से मैं मेथड 1 कर रही हूँ और हाँ सारी डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दी है। हाँ, रेगुलर एनिमा जी। मैं डिनर में थोड़ा खाती थी पका हुआ। हाँ जी। और जूस, ग्रीन जूस रेगुलर लेती हूँ जी। पर 15th जनवरी से मैं मेथड 2 कर रही हूँ। ओके। जूस थेरेपी 100% जी, पूरा रॉ फूड, मतलब कि मेथड 3 पका हुआ नहीं खाया। मेथड 3 पे आ गए? हाँ, मेथड 3 पे जी जी। एनिमा मैं 5 बार करती हूँ। ओके। और आप क्या करते हो? क्या आप घर पे ही होते हो कि आप कुछ काम करते हो? हाउसवाइफ हूँ। ओके। और मुझे 5 साल से बीपी था जी। 2 साल से डायबिटीज था। बीपी की गोली मैं दिन में 2 बार लेती थी, मॉर्निंग में और जी नाइट में। हाँ जी। और शुगर की गोली मुझे मॉर्निंग में 1 बार लेनी पड़ती थी। हाँ जी। और बीपी मेरा बहुत ही सूट अप होता था जी, कभी 200 कभी 250 और हाई डोज चल रहा था जी। दवाई लेने के बाद भी मेरा कभी भी 150 से कम नहीं हुआ था, 170-150 जी इतना ही रहता था। और अभी मैं दवा मुक्त हूँ एकदम। मेरी सारी दवाई डॉक्टर ने बंद करी है, फिजिशियन अच्छा, ने अच्छा प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया है स्टॉप ऑल मेडिसिन। ओके, कांग्रेचुलेशंस कि आपने ये सिस्टम को फॉलो किया। हम तो पूरे विश्व को बोलते हैं कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, लेकिन जो हमारी वीडियो को देखने के बाद फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट मिलता है। तो हमने तो आपको बता दिया, लेकिन जवनिका जी आपने फॉलो करके ये साबित करके दिखाया है कि पूरी जिंदगी जो दवाई खाने के बावजूद भी बीपी नहीं जाता था, दवाइयां खाने के बाद भी डायबिटीज नहीं जाता था, वो सिर्फ अपने 2 महीने में क्योर कर दिया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि आपने ये सब किया है। तो ये सब जो मेरा हुआ है वो हाँ सारा मैडम आपकी वीडियो बार 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 मोटिवेशन के लिए मैं इतना रिपीट करती थी दिन रात। मैंने सारी वीडियो देखी है। हाँ जी। 2 महीने से मैं कंप्लीट वीडियो ही देख रही हूँ और वीडियो से ही मुझे मोटिवेशन मिला है जी। और मैं इतनी खुश हूँ, बिल्कुल भी मुझे दवाई नहीं खानी पड़ती है जी। तो हमारा तो मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, ये आपने करके दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो 2 महीने पहले की जो जर्नी है, तो उसमें आप जो है वो पकाया हुआ भोजन खाते थे, आपको पता भी नहीं था कि दवाइयां ऐसे भी छूट सकती है। तो हाँ, वो बिल्कुल पता। हाँ, तो 2 महीने पहले की जो लाइफ थी कि जिसमें हम सुबह दोपहर शाम और रात बस पका के खा रहे थे, और अभी ये बिल्कुल ट्विस्ट हो गया है कि आप सुबह दोपहर शाम और रात ये कुदरत का बनाया हुआ भोजन खाते हो, तो आपके अंदर क्या अनुभव होता है, आपको फीलिंग क्या आती है? पहले तो मेरी दिन की शुरुआत ही चाय और रोटी से होती थी जी, फुल हैवी ब्रेकफास्ट। हाँ जी। और अब ये है, उसके बाद हैवी लंच जी। और डिनर की मुझे एक आदत अच्छी थी कि मैं शाम को 6 बजे 7 बजे से बात नहीं खाती थी बिल्कुल, बरसों से मेरा ये रूटीन था ही जी। पर लंच और ब्रेकफास्ट तो मेरा एकदम हैवी था। और अब जो है वो ऐसा है कि मैं शाम को 6 बजे लास्ट फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी दूसरे दिन 12 बजे तक ड्राई फास्टिंग। अच्छा। और लंघनम परम औषधम। हाँ जी। ये मेरा जीवन सूत्र बन गया है जी। और फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट टू अवर हेल्थ, ये मेरा सेकंड सूत्र है। हाँ जी,
बहुत अच्छा है, आपने तो 2 घंटे 3 घंटे भी फास्ट नहीं कर सकती थी, आज तो मैंने 1 बजे तक करा। अच्छा, 1 बजे तक एकदम ड्राई फास्टिंग। कल शाम को 6 बजे फ्रूट खाया था, उसके बाद 12 बजे के बाद ग्रीन जूस जी, फिर लंच में मैं टमाटर और ककड़ी खाती हूँ, 4 बजे मेरा फिर से जूस होता है, अभी सीजन के हिसाब से मैं गाजर पे चला है मेरा, गाजर और बीट, उसके बाद डिनर में 1 फ्रूट, बस 6 बजे लास्ट, उसके बाद अगले दिन 12 बजे जी। तो घर में बहुत अच्छा फील होता है, एकदम लाइट, मैंने 10 kg वेट लॉस भी किया है, मेरा पहले 69 था, अभी मेरा 59 है जी। तो सिर्फ 2 महीने में 10 kg, 2 महीने की जर्नी। हाँ जी, और वैसे तो लोग जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, सुबह में उठ के भागते हैं, फिर भी 1 kg भी लॉस नहीं होता है, और आपका 10 kg चुटके में लॉस हो गया है जी। और बहुत... मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अब मुझे यही मेथड पर ही रहना है, मतलब NDS को छोड़ना नहीं है जी। जी, और आपके जितने भी नियर्स एंड डियर्स है उनको भी आप सजेस्ट करते हो कि ये सिस्टम को करना है नहीं? हाँ, करना है। हाँ जी, करती हूँ मैं जी, और आपके लिंक, वीडियो की लिंक भेजती हूँ, इसको फॉलो करो और दवाई से छुटकारा लो। हाँ जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपके घर में जो लोग हैं वो भी हैरान हो गए होंगे कि इनको क्या हुआ है कि पकाया हुआ नहीं खाते हैं, तो घर का सभी लोगों का क्या रिएक्शन है? मेरे हस्बैंड बहुत खुश है, उनका ही बहुत सपोर्ट है, वो मेरे लिए एवरी वीक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होलसेल में लेकर आते हैं, तभी मैं ये कर पाती हूँ जी। फुल सपोर्ट है उनका जी। और बच्चे वो भी बहुत खुश है कि मम्मी को अब बिल्कुल दवाई नहीं खानी, ना 2 महीने में डॉक्टर को दिखाने जाना है, कुछ नहीं जी। और घर में भी कोई कई लोग फॉलो करते हैं या फिर आप ही अकेले करते हो? नहीं, मैं अकेले ही फॉलो करती हूँ, और इन सबके लिए सब बनाती भी हूँ जी। तो सबके जो पसंद है उनकी पसंद का और मेरा रॉ डाइट। तो जब उनके लिए आप रोटी सब्जी दाल चावल पकाते हो तो खाने का मन करता है या मुंह में पानी आ जाता है, क्या होता है? बिल्कुल नहीं जी, पहले शुरू में 10 दिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कंट्रोल जैसा, 10 भी दिन नहीं, 5-6 दिन जी। और जब से मेरे बीपी और शुगर की दवाई छूटी है तब से तो मुझे अब मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को मैं कब छुड़ाऊ पका हुआ खाना, इन लोगों का कब छुड़ाऊ जी, वो कब तो छूटे इन लोगों का, मेरा टारगेट ये है। अब ईश्वर की इच्छा होती है ना तभी सब कुछ होता है, हमारे तो कर्म अच्छे हैं कि हमारा ये सिस्टम से हम जल्दी से जुड़ गए हैं। लेकिन आपके साथ आपके वाइब्स जब आपकी पॉजिटिविटी जब घर में सारे लोगों को फील कराएगी तभी उनका भी धीरे धीरे ये सब ये सिस्टम के साथ सभी आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि आपने 2 महीने में ये करके दिखाया है, पूरे दिन रॉ फूड पे हो, रॉ जूस पे हो, तो चाय और दूध और एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं खाना चाहिए और नहीं पीना चाहिए, चाय का मुझे एडिक्शन था, पर आज ये है कि चाय देख के मुझे बिल्कुल उससे नफरत होती है, नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए चाय, कॉफी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, चीज, दही, छाछ, कुछ नहीं जी। और एनिमा आप करते हो तो एनिमा पहले तो सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हमारा तो पेट क्लीन है, सुबह में नेचुरल कॉल आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपने 2 महीने से 5-5 बार एनिमा किया तो पेट की जितनी गंदगी थी उसके बारे में क्या कहोगे? नेचुरल कॉल तो रेगुलर मैं जैसे उठती हूँ वैसे आ ही जाता है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ 2 महीने से, मैं रेगुलर इतनी बार एनिमा लेती हूँ, और जब एनिमा लेती हूँ 5-5 बार तो मतलब अनबिलीवेबल कचरा निकलता है, मैं वो देख कर ही हैरान हो जाती हूँ कि इतना कचरा जी, और बहुत हल्का फील होता है जी। और एनिमा तो करना ही चाहिए, मस्ट है, लंगनम परम औषधम और एनिमा। हाँ जी, तो सुबह का फास्टिंग भी जो भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत जरूरी है कि सुबह का फास्टिंग कीजिए, रॉ डाइट पे रहिए, जूस पे रहिए, एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट, ये मिल्क की प्रोडक्ट ये सब त्याग कर दीजिए, तो ही आप दवाई आपकी छूट सकेगी, नहीं तो फिर 2 चीज पूरी जिंदगी चालू रहेगी कि एक तो किचन में खाना पकाओ और दूसरा जो है वो हॉस्पिटल में जाओ, तो ये जो दोनों चीजें है वो कनेक्टेड है कि पूरी जिंदगी गंदा खाते रहो, मतलब कि मृत भोजन खाते रहो, और मृत भोजन की वजह से
हॉस्पिटल जाते रहो, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। बीपी की गोलियां, डायबिटीज की गोलियां, इसकी साइड इफेक्ट इतनी होती है कि आप 20 साल तक जब खाते हो तो किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, आपके चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं, हेयर वाइट हो जाते हैं, हेयर फॉल होना चालू हो जाता है, मोटापा हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो जो दवाई है उसका साइड इफेक्ट इतना सारा है कि ये दवाई खाने से रोग दूर नहीं होते हैं, लेकिन रोग जो है वो दब जाते हैं। तो हमें हमें ये सिस्टम में रोग को दबाना नहीं है, लेकिन जड़मूड़ से इसको खत्म करना है जी। तो आपसे जुड़े हुए आपके समाज के लोग या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके जान पहचान वाले हैं या नहीं है, तो जवनिका जी आप उनको क्या संदेशा देना चाहोगे कि कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो ये एक बात है कि परमात्मा ने जो हमारे लिए बनाया है वही बेस्ट है जी। हम उसके बाद बनाते हैं, उनका बनाया हुआ छोड़ के हम खुद फिर बनाने जाते हैं और वो बना के फिर खाते हैं, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। तो भगवान पे ट्रस्ट रखो, परमात्मा पे ट्रस्ट रखो, वो हमारे लिए जो बनाया है वही खाओ, वही हमारे लिए खाने लायक चीज है, उसको फिर प्रोसेस करके खाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले वही आदत छोड़ो, भगवान पे ट्रस्ट करो, उनकी बनाई हुई चीजों पे ट्रस्ट करो जी, और वही खाना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात कही। तो अभी लास्ट में एक क्वेश्चन कहेंगे कि जवनिका जी 2 महीने में तो आपको इतना चमत्कार हो गया कि दवाइयां बंद हो गई, तो आप ये सिस्टम जो है वो कब तक चालू रखोगे? मेरी इच्छा तो अब लाइफ टाइम तो मैं नहीं खाने वाली हूँ जी। बिल्कुल पकाया, मतलब पकाया हुआ खाना देखते मुझे अपनी बीपी शुगर की दवाई दिख जाती है जी, और मुझे वापस नहीं लाना है वो जी। NDS भी बेस्ट है, और NDS में मैं कभी भी भूखी नहीं रही हूँ। ये एक बात है कि भूखे रह रहे के ऐसे मुरझा के जोर जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है जी। जितने आवर्स मेरा खाने का है 12 से 6 बजे मैं फुल खाती हूँ, 4-4 ग्लास, एक बार मैं जूस भी मैं पीती हूँ। शुरू में पहले एक ही ग्लास पी पाती थी, अब मैं 4 ग्लास में आराम से पी लेती हूँ जी। 5-6 टमाटर खा लेती हूँ, 5-6 ककड़ियाँ खा लेती हूँ, मतलब फुल मेरा रहता है जी। तो इसी में ही अच्छा है जी, और परमात्मा में पूरा विश्वास है पहले तो मुझे कि उनकी बनाई हुई चीज से मुझे कुछ नहीं होगा जी। कितनी छोटी सी बात है और हमें ये पता नहीं थी, और हम ढूंढ रहे थे किचन में, हाँ, और हम किचन में ढूंढ रहे थे कि रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे तो ही पेट भरेगा, और कितनी कितना टाइम वेस्ट होता है हमारा, 1 घंटा लग जाता है किचन में बर्तन में, और हम सिर्फ केले खा लेंगे तो भी पेट भर जाता है। और हाँ। केले खाने में बर्तन घिसने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, केला धोने की जरूरत नहीं, कोई मगजमारी नहीं, सिर्फ केला ले आइए और खा लीजिए। लेकिन इंसान जो है वो हर वक्त परेशान रहता है, गंदगी पेट में डालता है और दिमाग गंदा हो जाता है, और फिर जो सुख है आनंद है वो कहीं बाहर ढूंढता है। सुख और आनंद हमारे अंदर रहता है और हम पूरे विश्व में सभी जगह पे ढूंढने निकलते हैं कि सुख कहाँ है जी। तो जवनिका जी मैं एक बात और बोलना चाहूंगी सबको कि आप NDS करो या ना करो, पर प्लीज एनीमा करो जी, और मैं हो सके उतना ज्यादा एनीमा करो जी। बहुत अच्छा संदेशा दिया आपने। तो जिसको भी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी एनीमा चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप हमारी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या एनीमा की प्रोडक्ट आप हमसे मंगवा सकते हो, और आप आपकी दवाइयां जो है वो छोड़ सकते हो। उसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हो। 600 से भी अधिक हमारी वीडियो है, वो सारी वीडियो आप देखिए, इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, और आप स्वस्थ हो जाइए, यही हमारी शुभकामनाएं है। थैंक यू वेरी मच मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए जवनिका जी आपका खूब खूब आभार। थैंक यू, प्रणाम, शुक्रिया।